हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रोडक्ट जो कि है अनबॉक्सिंग आल्दो की, इसके बारे में एक स्पेशल चीज़ भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले इस शूज़ का नाम क्या, ये आल्दो का शूज़ है तो इसका नाम है कार्टीविले, CARTYVILLE, जो कि मैंने हेडलाइन में भी इसका नाम डाला हुआ है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा मैं, तो आपके सामने दिखाता हूँ अब अनबॉक्सिंग करके इस पैकेज को। सबसे पहले पैकिंग में आल्दो की ब्रांडिंग है और इधर भी कुछ आल्दो शूज और यहाँ पे कुछ एड्रेस वगैरह लिखा है जो कि मेरा एड्रेस है। और इसकी अनबॉक्सिंग में से तो बॉक्स है इसके अंदर जो कि ऐसा है, आल्दो लिखा है इसके ऊपर और फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं। और साइडों में इसका नंबर लिखा हुआ है और कुछ प्राइस वगैरह लिखी हुई है इसके ऊपर। बाकी जैसे पकड़ने के लिए है, अगर आप हैंड बैग की तरह पकड़ना चाहते हैं शूज़ को, और दोनों साइड ही आल्दो लिखा हुआ है। और इस साइड में कुछ नहीं, फ्रंट पैकिंग मैं नहीं देख रहा हूँ, इसको पहले देखो कैसे कुछ है। माइक्रो पैक आई डोंट नो क्या है। और ये है शूज़, तो ये है शूज़ नंबर 1 और शू नंबर 2। और इसमें बाकी कुछ नहीं है, सिलिका जेल इसका तो क्या ही है। तो ये है शूज़ आल्दो के और ये देखो। और इसके यहाँ पे ब्रांडिंग है आल्दो की यहाँ पे, और इसके अंदर भी ब्रांडिंग है आल्दो की यहाँ पे। शूज़ देखने में काफ़ी ठीक है और पेस्टिंग पोस्टिंग फ़िलहाल तो ठीक लग रही है इसकी, और नीचे भी आल्दो लिखा हुआ है। ये इसकी सोल है और इसमें भी दोनों डेफिनेटली, अगर एक शू में आल्दो की पैकिंग है तो दूसरे में भी यहाँ पे ब्रांडिंग लिखी होगी। तो ये शूज़ हैं, ये इलास्टिक टाइप है और मैं इसको आपको पहन के दिखा दूँगा। अभी ये अनबॉक्सिंग है और कोई इतना ज़्यादा वेट नहीं है, ठीक है, मतलब प्रॉपर लाइट वेट भी नहीं है और प्रॉपर हैवी वेट भी नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्का सा वेट है, कुछ ज़्यादा वेट नहीं है, तो ठीक है। तो ये शूज़ हैं। और रही बात अब इनके बारे में बताने की कि ये कहाँ से आए हैं, तो ये मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे सेंड किए हैं, तो मेरे लिए भी ये सरप्राइज़ ही था। तो डिलीवरी में जब आया तो मैंने देखा, मेरा शिपमेंट एड्रेस था इसके ऊपर। और अब पहली बार हुआ है कि किसी ने मेरे को ये भेजा, शूज़ भेजे हैं। तो 9 नंबर आता है मेरे, क्योंकि मैंने जो क्वेचुआ की अनबॉक्सिंग करी थी आई थिंक उसमें मेंशन किया होगा कि 9 नंबर का शू है। तो अभी देखता हूँ, 9 UK 9 है, तो वो भी मैंने UK 9 ही लिया था। तो ये आपके सामने है अभी, तो बाकी देखता हूँ अभी आप, मैं पहन के बता देता हूँ आपको कैसे कैसे लगते हैं कैसे नहीं। और ये क्लोजअप लुक्स आप देख लो इसकी आल्डो की। तो ठीक है जी, थैंक यू सो मच ये अनबॉक्सिंग देखने के लिए। अगर और भी कोई कुछ सेंड करता है तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा एज ए यूट्यूब पे, अगर वीडियोस में डाल रहा हूँ, अगर मुझे कुछ भी कोई सेंड करता है तो डेफिनेटली आपको दिखाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। ठीक है जी, ओके बाय, थैंक यू सो मच जिसने भेजा है, और बहुत सारा थैंक यू सो मच। दोबारा बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे को ऐसे सरप्राइज़ भेजा किसी ने, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आल्डो के शूज़ हैं, तो कंपनी के शूज़ बड़े मज़ेदार, महंगी महंगी कंपनियों के शूज़ होते हैं ये, तो डेफिनेटली पहला एक्सपीरियंस होगा मेरा ये शूज़ पहनने का। थैंक यू सो मच, बाय बाय।